मेरे आज के दिन की शुरुआत हुई गेहूं निकलवाने से, यानी वीट क्रॉप हार्वेस्टिंग से। तो ये मैं चला अपने खेतों की ओर, जो कि मेरे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। लेकिन फॉर्चुनेटली एक बाइक मिल जाने की वजह से मैं पहुंच गया मात्र 2 मिनट में। और ये खेतों पे पहुंचने के बाद यहाँ काम पहले से ही शुरू हो चुका था। गेहूं मशीन से निकलने के बाद सीधे इस परात में और उसके बाद छोटे से इस जम में होते हुए इस बोरी में भरे गए। यहाँ बोरी पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी। और यहाँ गेहूं के अलावा जो भी रेसिड्यू बचता है उसका भूसा बनाकर मशीन ने हमें वापस कर दिया। और यहाँ हमारी टीम का एक मेंबर मशीन को इनपुट दे रहा है, जिससे कि सारा आउटपुट जो आपने अभी तक देखा वो हमको मिला। गेहूं निकलने के बाद खेत का एक 360 व्यू मैंने यहाँ लिया। और इस सब के बाद फाइनली गेहूं लेकर हम चल पड़े अपने घर की ओर एक ट्रैक्टर में। और मैं यहाँ गेहूं की बोरियों के ऊपर लेटकर आराम से अपनी व्लॉगिंग कर रहा था। और आज मुझे अपने जीवन में पहली बार ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला, जो कि बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। सो फाइनली सारा काम निपट चुका है, गेहूं हम घर ले आए हैं। और टाइम हो रहा है 12:30, और अभी थोड़ी देर करता हूँ आराम, उसके बाद लैपटॉप पे कुछ काम। और जब थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जब थकान हो जाती है, उसके बाद आराम करने का मज़ा ही अलग है। वैसे मैं खेतों पे बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह से हेल्प करा दिया करता हूँ। और आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ट्रैक्टर चलाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी कोई पसंदीदा चीज़ मिल जाती है ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लग रहा था।